जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, आपका जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर आपका बेस है। अगर आपको प्रमोट तो कर दिया गया है, लेकिन आपको जो है सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, यानी पासिंग क्राइटेरिया आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो ही आप फर्स्ट ईयर में पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे। इसीलिए छोटी सी खुशी को, यानी कि अभी तो आप सोचोगे कि फर्स्ट ईयर, वाओ फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए बिना हम प्रमोट हो गए हैं और हम चले गए हैं सेकंड ईयर में, हमने जंप मार दिया है एकदम से ड्यूरिंग कोरोना वायरस और आपको प्रमोट कर दिया गया है, तो आपको सेकंड ईयर में डबल मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप फेल हो गए तो आपको डबल झटका लगने वाला है, इसीलिए आपको सेकंड ईयर में बहुत मेहनत करनी है, तभी आप फर्स्ट ईयर में पास माने जाएंगे। सेकंड ईयर वालों के लिए तो अपडेट है ही है, सेकंड ईयर वाले आपने यूजीसी गाइडलाइंस में भी पढ़ा होगा जो लेटेस्ट आई थी कि भाई सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर के बिहाफ पे पास हो जाएंगे, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जितने भी आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स आए हुए होंगे उनके बिहाफ पे एवरेज निकाल कर आपको जो है पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और थर्ड ईयर वालों का तो आपको पता ही है कि थर्ड ईयर वालों का सुप्रीम कोर्ट में भी केस जो है वो फाइनल हो चुका है और स्टेट गवर्नमेंट अब जो है स्टेट गवर्नमेंट अगर बचा, जो भी एक एक्सपेक्टेशन बची हुई है, अगर उसमें कुछ कर सकती है तो कर सकती है, अदरवाइज जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स है वो तो कंडक्ट होंगे ही होंगे और उनको पेपर देने पड़ेंगे। सारे बच्चे जितने भी फाइनल ईयर के हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स है, उनको अपने एग्जाम देने पड़ेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो उसका मूल्यांकन जो है वो बाद में किया जाएगा, इवोल्यूशन। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है वो खत्म हो चुके हैं फाइनल ईयर के, और उसका इवोल्यूशन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, कर दिया गया है बल्कि, और रिजल्ट भी जल्दी आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्रमोट किए गए बच्चे, जिसकी मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं बीए बीकॉम और बीए बीकॉम एमए एमकॉम और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सारे के सारे बच्चों को जो है प्रमोशन का के रिजल्ट के बारे में इंतजार है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि रिजल्ट जो है वो अब तक आ जाता था, लेकिन इसी कोविड-19 की वजह से पहले तो एग्जामिनेशन के बारे में लेट हुआ कि कब एग्जाम होंगे, डेट शीट कब आएगी, उसके बाद प्रमोशन की न्यूज आई और उसके बाद जब ये चीज कंफर्म हो गई तो अब जो है लेट हो रहा है किसके लिए, रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं क्लियरली कि आपका रिजल्ट नहीं आया है। आपका रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ, तारीख बता देती हूँ, क्योंकि जो भी हमें सूत्र मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग बता सकती हूँ मैं आपको कि आपका जो है रिजल्ट कब तक आएगा। तो बच्चों अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। आप अगर अपनी वेबसाइट बार बार ओपन करके देख रहे हैं और यूट्यूब पे अगर आप सर्च कर रहे हैं कि हमारा जो है प्रमोशन का रिजल्ट आ गया होगा, और अगर आप थंबनेल में भी देख के क्लिक कर रहे हैं कि हमारा प्रमोशन का रिजल्ट आ गया होगा, तो मैं आपको बता दूं कुछ गिने चुने कोर्सेज हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आप अभी कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, आप किसी भी प्रदेश की यूनिवर्सिटी ले लीजिए, अभी जो है रिजल्ट आना बकाया है। और कुछ यूनिवर्सिटी का, चुनिंदा यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आ चुका है, उनमें से एक AKTU यूनिवर्सिटी है। AKTU ने जो है रिजल्ट जारी कर दिया है, जैसे कि BSc हो गया, BPharma हो गया, इस टाइप के कोर्सेज का जो है रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया था। लेकिन जो मेन कोर्सेज हैं, मेन कोर्सेज इट मीन्स जो बीए बीकॉम एमए एमकॉम और भी कई सारे LLB वगैरह वगैरह जो भी जितने भी कोर्सेज हैं, अभी तक उनका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका सितंबर के लास्ट वीक में, भाई अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाया करता था फाइनली, लेकिन अभी जो है इवोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही है, इवोल्यूशन का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। CCS यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ले लीजिए, या दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, या कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, अभी जो है इवोल्यूशन का काम चल रहा है और काफी सारे स्टूडेंट का जो है वो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला जो है वो तय कर दिया गया है कि किस फॉर्मूले के बिहाफ पे जो है मार्क्स दिए जाएंगे, या फिर प्रमोशन लिखकर जो है सारा मामला खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं अभी जो है इवोल्यूशन की प्रक्रिया जो है वो जोरों शोरों पे चल रही है, काफी सारे छात्र हैं और उनका जो है रिजल्ट जारी करना एवरेज बेस पे, क्योंकि काफी सारे जो फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले जो बनाए गए हैं उसके बिहाफ पे मार्क्स को रखना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए जो है थोड़ा सा
टाइम लग रहा है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, सितंबर के लास्ट वीक में जो है आपका जो है आ जाएगा आपका रिजल्ट, और होपफुली इससे पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और आपको मैं बता दूं कि सितंबर के लास्ट वीक तो फाइनल है ही है, लेकिन इसके पहले भी रिजल्ट आएगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके टच में मैं रहती हूँ, अपडेट्स देखती रहती हूँ, और आपको मैं जल्द ही एक नई वीडियो में मिलूंगी और आपको बताऊंगी कि प्रमोशन का रिजल्ट कैसा आया है, क्या है विद एग्जाम्पल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।